भी तालीम पीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली कोई भी एजुकेशनल वीडियो आप मिस ना कर सकें। मान लेते हैं कि आप फेसबुक चलाते हैं लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपकी प्रोफाइल को कोई लोग आके चेक कर सकें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को कम्प्लीटली प्राइवेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपनी एंड्रॉयड के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे मैं फेसबुक ओपन करूँगा। फेसबुक के अंदर जाके मैं ये थ्री जो बार्स हैं वहाँ पे क्लिक करके एंड पे आऊँगा। यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी है, यहाँ से मैं प्राइवेसी शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, प्राइवेसी शॉर्टकट में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहली ऑप्शन आ रही है आप पर रिव्यू व्यू इंपॉर्टेंट प्राइवेसी सेटिंग्स। यहाँ पे आ जाएं आप, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले वाले पे आ जाएं आप। ठीक है, इसको यहाँ से कंटिन्यू करें। उसके बाद आपने करना ये सारी चीज़ों को आपने यहाँ से ओनली मी कर देना। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे सारी की सारी आप ओनली मी कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके अलावा कोई और नहीं देख सकेगा फेसबुक के ऊपर से। ठीक है, इवन स्पेशली जो ये नीचे जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसको भी आप ओनली मी कर दें। ठीक है, ताकि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट चलती रहें। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे फर्दर पोस्ट में भी आएँ, इसको भी ओनली मी कर दें। ठीक है, स्टोरीज़ में आएँ, इसको कस्टम कर लें। और इसमें ऐसे करें कि दो तीन चार लोग जिनको आप चाहते हैं आपकी स्टोरीज नज़र आएँ उनको सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, और बाकी सबको जो है वो रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली उसमें से। नेक्स्ट में आज अगर आपने किसी को ब्लॉक किया होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट करके इसको एंड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन पे ये कि आपकी प्रोफाइल को कैसे सर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मेरे सिर्फ फ्रेंड्स और फ्रेंड्स मेरी जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सके, हर बंदा ना भेज सके, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से फ़ोन नंबर और ईमेल मैंने ऑलरेडी ओनली मी किया हुआ है। नेक्स्ट में आ जाएँ, इसको ये ऑन होती है। ठीक है, ये ऑन का मतलब ये कि ये सर्च इंजन पर आ सकती है कि नहीं आ सकती, तो इसको भी ऑफ़ कर दें यहाँ से और यहाँ से नेक्स्ट कर दें और ऐसे कर लें इसको। ठीक है, सो अब आपकी जो प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली तौर पे जो है वो प्राइवेट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से आप मोर सेटिंग्स में आ जाएं। ठीक है, मोर सेटिंग्स में अब आप आके जो है फर्दर और चीज़ों को भी लिमिट साइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आपकी हाइलाइट्स जो है वो कौन देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको कस्टम कर देंगे और कस्टम करके जिन दो तीन लोगों को आप चाहते हैं कि देख सकें सिर्फ उनको आप यहाँ से ओके कर लें। ठीक है, फर्दर यहाँ पे आपके पास जो है वो थोड़ी सी दो तीन और ऑप्शंस भी हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर आप अपनी फेसबुक आईडी को मैनेज करते हैं तो आपकी अब फेसबुक आईडी जो है वो कम्प्लीटली प्राइवेट हो जाएगी और अब आपकी आईडी को जो है वो कोई भी उस तरह से नहीं चेक कर सकता जिस तरह से पहले कर सकते थे। अब आपकी 99% जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट हो गई है। ठीक है, अब आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, कवर इमेज होती है, ठीक है, वो पब्लिक होती है, उसको भी आप अगर करना चाहते तो उसको आप सिंपली डिलीट कर देंगे, तो आपकी जो प्रोफाइल होगी वो कम्प्लीटली तौर पे इनविजिबल हो जाएगी, कम्प्लीटली तौर पे प्राइवेट हो जाएगी और कोई भी बंदा आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो फेसबुक के ऊपर से नहीं देख पाएगा। सो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए तालीम पीडिया के इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि आने वाली वीडियोज़ में आप किस तरह की टिप्स एंड टेक्निक सीखना चाहते हैं ताकि हम उनके ऊपर काम करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में उन टॉपिक्स को कवर कर सकें।